आचार्य चाणक्य ने सुखद और सफल जीवन के लिए मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने बताया है कि महिला और पुरुष में कौन से गुण होने चाहिए और किन आदतों से उन्हें बचना चाहिए। चाणक्य नीति में बताया गया है कि महिलाओं की कुछ गलत बातें उन्हें ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अपनी इन आदतों के कारण वे जीवन भर दुखी उठाती हैं। आइए वो कौन सी आदतें हैं या गलत काम हैं जिनसे हर महिलाएं को जरूर बचना चाहिए, वरना वो और उसका परिवार हमेशा दुख उठाता रहेगा। पहला, बीमारियों का अनदेखा। महिलाओं में ये आम आदत होती है कि वे अपने शारीरिक या मानसिक समस्याओं को छुपाती हैं। वे अपनी सेहत को अनदेखा करती हैं और फिर बाद में बीमारी बढ़ने पर वे भारी समस्या झेलती हैं। घर की बहू कही जाने वाली महिला की बीमारी पूरे परिवार को हिला देती है, लिहाजा महिलाओं को अपने इलाज में कभी देर नहीं करनी चाहिए। दूसरा, झूठ। कई बार झूठ बोलना भी लाभ दे जाता है, लेकिन महिला का हर बात में झूठ बोलना न केवल उनके बल्कि पूरे परिवार के लिए परेशानी का सबक बन जाता है। ऐसी महिला अपना सम्मान भी खो देती हैं, साथ ही परिवार भी बदनामी झेलता है। लिहाजा महिलाओं को हमेशा अच्छा व्यवहार और आचरण करना चाहिए। तीसरा, बिना मर्जी के हर फैसले को स्वीकारना। कई बार महिलाएं परिवार की भलाई के लिए बिना मर्जी के भी हर फैसले को स्वीकार कर लेती है। हर मसले पर महिलाएं अपनी बात रखने से पीछे हटती हैं, जबकि ऐसा करना उन्हें बड़ी मुश्किल में फंसा सकता है। महिलाओं को अपनी मर्जी भी बतानी चाहिए और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम भी उठाना चाहिए, वरना बिना आत्मसम्मान के जीवन जीना जानवर की तरह जीवन जीने जैसा है। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।